और मैं सीसी में आपका स्वागत है देखते हैं यूपीपी का भाग तीन संख्या पद्धति का पहला लेसन है ये तो पहला सवाल देखते हैं तीन से गुणा करके बनने सौ तथा दो सौ के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है तीन से गुड़ा करके बनने वाली तो तीन से जब बात करते हैं तीन छ नौ या तीन के पहाड़े में आती है निन्यानवे तक लेकिन हमसे जो कहा गया है वो सौ तथा तो दो सौ के बीच की यानी हमको यहां तक नहीं लिखना है यानी हमको इसके आगे से स्टार्ट करना है यानी एक सौ दो एक सौ पांच एक सौ आठ और एक सौ ग्यारह और कहां तक लिखना है दो सौ के बीच यानी लास्ट संख्या होगी हमारी एक सौ अट्ठानबे क्योंकि ये भी हमारी तीन के गुड़ा में आती है क्योंकि ये होगा तीन गुड़े छाछठ ठीक तीन गुड़े छाछ हाँ अब हम बात करते हैं इसको संख्याओं का योग निकालने के लिए हमको पद पता चलना चाहिए कितने क्योंकि देखिए ये समांतर श्रेणी में समान अंतर जिसमें समान अंतर होता है उसे तो कहते हैं समांतर श्रेणी तो ठीक समांतर श्रेणी की मदद से हम पता करेंगे इसमें पद कितने हैं देखिए पद अगर हम मोटा मोटा बात करें तो देखिए तीन से निन्यानवे तक यहाँ तक हमारे तैंतीस पद हैं क्योंकि लास्ट में होगा तीन गुड़े तैतीस और यहाँ पर है तीन गुड़े एक यानी एक से लगाकर यहाँ पर कितने पद हो तैतीस और यहाँ पर टोटल देखिए कितने छठ है, है पद तो तैतीस पद इधर है और तैतीस पद इधर है हम बात करें तो इसमें पद है हमारे यन बराबर तैतीस लेकिन अगर आप चाहें तो इस सूत्र से निकाल भी सकते हैं सूत्र होता है यल बराबर ए प्लस यन माइनस वन डी यल क्या होता है लास्ट पद होता है और इसे हम एन भी कहते हैं और ए क्या होता है पहला पद और डी अंतर इसमें कितने का है तीन तीन का ठीक तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे एं देखिए लास्ट पद कितना है एक सौ अट्ठानबे और कितना है एक पहला पद प्लस यन यन हमको पता करना है और डी कितना है अंतर तीन का अब देखिए एक और ये 102 प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का एक 102 बराबर तीन से इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा तीन एन माइनस का तीन ये जो माइनस का तीन है इधर आएगा प्लस का तो पहले इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा आठ में से दो हो गया छः और नौ यानी छियानवे माइनस का तीन इधर आएगा प्लस का तीन हो जाएगा ये हो गया तीन ये हो गया निन्यानवे बट बराबर तीन यन अगर इस तीन को हम इधर भेजेंगे तो बटे में आएगा यानी यन बराबर तैंतीस पद आ गया ठीक जबकि हमने बताया था तैतीस पद इधर हो गए तैंतीस पद इधर हो गए अब जब हमको पद पता चल जाए तब देखिए आसान विधि होता है एक सौ दो एक सौ पांच एक सौ आठ एक सौ ग्यारह और एक सौ अट्ठानबे तक अगर हमको सबको जोड़ना है तो देखिए उसके लिए सूत्र होता है एस एन बराबर यन बटे टू ए प्लस यन अब देखिए ये क्या होता है यन इसमें पद कितने हैं यन बराबर यहां पर निकल के आया है तैतीस ठीक तैंतीस बटे दो ए यानी पहला पद एक सौ दो प्लस लास्ट पद यानी एक सौ अट्ठानवे ठीक तो ये हो जाएगा तैंतीस बटे दो गुड़े एक सौ दो और एक सौ अट्ठानवे कितना हो जाएगा तीन सौ और जब इसको काटेंगे तो ये आ गया डेढ़ सौ तो ये आ जाएगा डेढ़ सौ और तैंतीस की जब हम गुड़ा करेंगे तो पंद्रह तिया पैंतालीस पंद्रह तिया पैंतालीस और चार और एक जीरो यानी उनचास सौ पचास आया कौन सा विकल्प हमारा सही होगा विकल्प बी सही होगा अब देखिए ये आता कैसे देखिए अच्छे से समझिए ये क्या होता है ठीक इसमें समझिए दो चार छह आठ दस बारह ये भी समांतर श्रेणी में इसमें तीन तीन का अंतर है इसमें कितने का अंतर है दो दो का अंतर है तो देखिए ये कैसे बनता है देखिए यहां पर समझिए दो और बारह कितना हुआ इसीलिए कहते हैं पहला और लास्ट यानी ए प्लस यल जोड़ा जाता है ए प्लस यल यानी दो प्लस बारह यानी दो बारह कितना हुआ चौदह और यन बटे टू यानी पद कितने एक दो तीन चार पाँच छः यानी छः यहाँ पर लिख देंगे एन बटे टू यानी छः बटे दो यानी हम कह सकते हैं तीन पद ये बटे टू का मतलब ये पता चल जाता है कितने जोड़े बनेंगे देखिए एक जोड़ा और ये दो जोड़ा और ये तीन जोड़ा दो बारह चौदह और ये भी चौदह ये भी चौदह इसीलिए कहते हैं चौदह गुड़े चौदह तीन बयालीस इसी प्रकार से पहला और आखिरी जोड़ देंगे और जो जितने नंबर होंगे यानी जितने पद होंगे उसके बटे दो कर देंगे और इससे हमारा योग आसानी से निकल जाएगा एक हजार में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो देखिए हम बात करते हैं ये विकल्प दिए हैं तो 45 से पहले भाग देते हैं एक हजार में इसको भाग देकर पता चलेंगे तो देखिए 45 दूना 90 कितना बचा 10 फिर जीरो 45 दूना नब्बे अब कितना बचा शेष दस बचा अब शेष जो बचता है इसका मतलब ये होता है अगर इसको हम घटा देश में से तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा ठीक और या फिर जोड़े तो जोड़े कितना तो देखिए यहाँ पर दस लिखा है अगर पैंतीस और होता यानी ये हो जाता हमारा पैंतालीस ठीक तो ये हमारा पूर्णता विभाजित हो जाता बस फर्क इतना है कि यहाँ पर तीन से करते यानी हमको कितना जोड़ना है पैंतीस तो देखिए यानी हमारा विकल्प सही होगा पैंतीस अब देखते हैं एक हजार लिखा था उसमें जो हमने पैंतीस जोड़ा तो हो गया एक हजार पैंतीस अब जब इसको भाग देंगे तो पैंतालीस दुना नब्बे बचा तीन एक पाँच पैंतालीस तिया एक सौ पैंतीस और ये देखिए पूरा पूरा विभाजित हो गया यानी हमको इसमें कितना जोड़ना है पैंतीस अगर घटाने की बात कहता तो हम इसमें से दस घटा देते यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या कितना घटाते हैं दस तो यह पूर्णतया विभाजित हो जाएगा बीस विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है ये हमारे विकल्प दिए हुए तो अच्छे से विषम संख्याएं क्या होती है एक तीन पांच एक तीन पांच सात नौ ये होती है विषम संख्याएं तो प्र, देखिए प्रथम कह रहा है नहीं एक से स्टार्ट करना है अब देखिए इनको लिखा कैसे जाता है प्रथम बीस प्र, प्राकृतिक संख्याओं कह रहा है तो देखिए एक तीन पाँच अब बीसों ना लिखे हमने लास्ट वाला लिखा तो देखिए लास्ट वाला कैसे लिखा जाता है जैसे अगर हम बात करें दूसरे वाले पद की देखिए ये दूसरा पद है तो दूसरा पद की बात करें तो दूसरा यानी दूसरा पूछ रहे तो तो दो दोना चार उसमें से एक कम है तीसरा पद देखिए तीसरा पद यानी तीन दोना छः एक कम इसी प्रकार से ये देखिए नौ लिखा है एक दो तीन चार पांच पांचवा पद कितना है पांच दोनों दस एक नौ इसी प्रकार से बीसवा पद कितना हो जाएगा हमारा बीस दो नीस एक उन्तालीस अब हमको बीस पदों को जोड़ना है तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है देखिए जब विषम संख्या लिखते हैं देखिए एक दो तीन कितने पद लिखे हैं तीन तो इसका जो जोड़ होगा वो तीन का स्क्वायर यानी नौ होगा अब देखिए यहां पर कितने पद हैं एक दो तीन चार पांच ठीक यानी कितने पद हैं पांच यानी पांच का स्क्वायर पच्चीस इसको जब जो जोड़ेंगे तो पच्चीस ही आएगा इसी प्रकार से इसमें कितने पद दिए थे बीस प्राकृतिक संख्याएं ये कितनी संख्याएं दी है टोटल बीस अगर लिखेंगे बीस तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बीस का स्क्वायर यानी चालीस क्योंकि सूत्र होता है यन का स्क्वायर जितने भी पद हो उसका स्क्वायर कर दे तो बीस का स्क्वायर होगा चार सौ यानी बीस गुड़े बीस यानी कितना हो गया चार सौ तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा विकल्प सही होगा सी वाला चार कह रहा है दो सौ इक्यावन की घात अट्ठानवे प्लस इक्कीस की घात एक सौ छह की घात सौ प्लस सात सौ की घात पैंतीस माइनस सोलह की घात चार प्लस दो सौ उनसठ के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक क्या होगा तो देखिए इसके लिए क्या होता है जिसके अंतिम अंक में जिसके अंत में जीरो एक पांच छ हो तो उसको कितनी भी घात हो उसका अंतिम अंक वही होगा यानी सेम टू तो सेम होगा अब जैसे दो सौ इक्यावन लिखा लास्ट में कितना लिखा एक तो दो सौ इक्यावन की घात कितना भी हो दो सौ इक्यावन गुड़े अट्ठानवे लिखा जाए दो सौ इक्यानवे दो सौ इक्यावन गुड़े दो सौ इक्यावन गुड़े दो सौ इक्यावन कितना भी आए आंसर इधर लेकिन लास्ट में एक ही लिखा होगा यानी अंतिम अंक हमारा कितना होगा एक क्योंकि जीरो एक पांच छास्ट में यानी कितने भी घात हो तो उसका अंतिम अंक सेम टू सेम होता है यानी इसको जो हम घात अट्ठानवे बार करेंगे तो इतना इधर कितना भी आएगा लास्ट में हमारा घात एक ही मतलब इकाई का अंक एक ही होगा प्लस इसकी बात करें अगर इक्कीस को हम उन्तीस बार लिखे यानी इक्कीस गुड़े इक्कीस गुड़े इक्कीस यानी लास्ट में कितना लिखा है एक तो वही हमारा आएगा फिर बात करते हैं माइनस एक सौ छ देखिए लास्ट में छः लिखा तो छः की घात कितना भी हो क्योंकि छः जीरो एक पाँच छः तो यानी लास्ट का इकाई का अंक हमारा उतना ही आएगा ठीक इसके आगे कुछ भी आया ठीक हम अंतिम अंक की बात कर रहे हैं ठीक फिर बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए सात सौ पाँच सात सौ पांच को पैंतीस बार लिखना है यानी कितना भी आए लेकिन लास्ट में हमारा पाँच ही आएगा यानी इकाई के अंक की हम बात कर रहे हैं फिर माइनस का सोलह की घात चार तो देखिए माइनस को सोलह की घाट चार सोलह को चार बार लिखे सोलह को सोलह यानी लास्ट में इकाई का अंक है हमारा छः ही आएगा अब बात करते हैं दो सौ उनसठ इसका इकाई का अंक कितना है नौ क्योंकि इकाई का अंक मतलब समझ गए क्योंकि देखिए इसको समझिए कितना भी लिखा है लास्ट में एक लिखा है फिर ये कितना भी लिखा है लास्ट में एक लिखा है और कितना लास्ट में कितना लिखा है नौ और लास्ट में कितना लिखा है पाँच इनको सबको क्या करना है जोड़ना है ठीक क्या करना है इनको जोड़ना है और बाकी इनको है घटाना ठीक कि? कितना भी लिखा हो लास्ट में छः कितना भी लिखा हो लास्ट में छः क्योंकि ये माइनस की संख्या है इनको अलग जोड़ेंगे जैसे मान लेते हैं कुछ भी एक और एक तो ये आ जाएगा माइनस का दो यानी लास्ट के अंक की हम बात कर रहे हैं ठीक कितना आ गया दो और यहां पर लास्ट के अंक की बात करें तो नौ एक दस और पाँच एक कितना होता है छः ठीक अब ये प्लस का आया छः और इसमें से जो दो, दो घटाएंगे ठीक यानी इधर कितना भी संख्या है एक हजार दो सौ पंद्रह या सोलह कुछ भी है और ये मान लो दो सौ बारह आ गया इसको जब हम नीचे घटाएँगे ठीक हम लेकिन बात करते सिर्फ लास्ट वाले अंक की ठीक जैसे इसको हमने लास्ट अंक को जोड़ा तो यह आया सोलह यानी सोलह का इधर वाले लोग कुछ भी मान लेते हैं और इधर छः छः बारह आया तो घटाएंगे लास्ट वाले अंक में से जब घटाएंगे तो कितना आएगा चार यानी हमारा विकल्प कौन सा सही होगा ये वाला ये तो हो गया जीरो एक पाँच छः के लेकिन अगर लास्ट में दो चार आठ है तो उसकी घात अगर चार है ठीक या फिर उसके गुड़े में समझिए कैसे किसी घात चार हो या फिर चार दुनी आठ चार तीन बारह तो उसका अंतिम अंक जो होगा छः होगा अगर तीन या सात हो तो उसका अगर घात चार या चार के रूप में है तो उसका अंतिम अंक एक होगा यदि अंतिम अंक नौ है तो अगर घात विषम है तो नौ होगा जैसे नौ की घात एक यानी लास्ट अंक कितना आया नौ नौ की घात तीन सात सौ उनतीस यानी लास्ट अंक कितना आया तीन अगर विषम है नौ की घात चार या नौ की घात दो यानी कितना आ गया इक्कीस सम वाले में लास्ट में अंक आएगा एक और विषम वाले में लास्ट में अंक आएगा नौ निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याएं कौन सी है एक सौ इकसठ दो सौ इक्कीस तीन सौ तिहत्तर चार सौ सैंतीस तो सबसे पहले एक सौ इकसठ को देखते हैं तो दो से तो कतई नहीं कटेगा तीन से तो तीन से, से देखिए अगर अंकों का जोड़ तीन से कट रहा है एक दो और छः आठ होता है यानी आठ तीन से नहीं कटेगा चार से तो कतई नहीं पाँच से भी नहीं छः से नहीं और सात से देखते हैं सात दूनी चौदह और सात दूनी चौदह दो सात रु की इक्कीस यानी सात से ये हमारा कट जाएगा ये संख्या हमारी सात से विभाज्य हो जाएगी सात और तेईस दोनों से ठीक अब इसको समझते हैं तो दो दो चार एक पाँच इससे नहीं कटेगा फिलहाल तेरह से देखते हैं तेरह से तेरह दो छब्बीस यानी तेरह एक कम तेरह पचानवे तेरह से इक्यानवे यानी सत्रह और तेरह दोनों से कट जाएगी ठीक अब बात करते हैं चार सौ सैंतीस के इसको देख लेते हैं तो चार सौ सैंतीस दो से तीन से चार से पाँच से नहीं कटेंगे तो हम बात करते हैं उन्नीस से देखते हैं काट ठीक उन्नीस से जब इसको काटेंगे तो उन्नीस तिया सत्तावन ज़्यादा हो जाएगा उन्नीस दो ना अड़तीस पचा पाँच उन्नीस तिया सत्तावन यानी उन्नीस और तो तेईस दोनों से कट जाएगा और ये वाली जो संख्या होगी ये हमारी अभाज्य संख्या है ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगी के बीच कितने पूर्णांक जो दो तथा तीन से दोनों से विभक्त है तो हम एक से दो सौ तक लिखने जा रहे हैं एक दो तीन चार पांच छह सात यानी कहां तक लिखना है दो सौ तक तो कह रहा है दो तथा तीन दोनों से विभक्त तो देखिए दो ये तो दो से विभक्त है ये चार से लेकिन हमको वो संख्या लिखनी है जो दो अथवा तो तीन दोनों से विभक्त है देखिए दो तथा तीन ये जो छह संख्या है दो से भी कट जाएगी और तीन से भी कट जाएगी ये जो बारह संख्या है ये भी हमारी दो से कट जाएगी और तीन यानी दोनों से कट जाएगी ये जो पंद्रह है तो देखिए ये दो से तो नहीं कटेगी सिर्फ तीन से तो सिर्फ वाला नहीं लिखना है जो दोनों से कट जाए जैसे अट्ठारह है दोनों से कट जाएगा दो से भी और तीन से और जो बारह है ये भी और ये जो तीस है ये भी और इसी प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे छ बारह अट्ठारह चौबीस तीस और सबसे लास्ट में हमारी संख्या जो होगी वो होगी एक सौ अट्ठानबे ठीक तो देखिए छ बारह अट्ठारह चौबीस तीस यानी इसी प्रकार से जब हम लिखते जाएंगे तो सबसे लास्ट वाली संख्या, संख्या होगी एक सौ तो इसमें कह रहा है एक तथा तो दो सौ के बीच कितने पूर्णांक है जो दो अथवा तीन से विभाज दोनों से विभाजित तो कितने पूर्णांक हैं? तो देखिए एक दो तीन चार पाँच यहाँ तक लिखते हुए जाना है तो देखिए कितने हैं तो देखिए छः एक कम छः छः दून बारह छे तिया अट्ठारह अगर हमको यहां तक ही आना हो तो देखिए कितने पूर्णांक हैं तीन ठीक देखिए ये पहला पूर्णांक ये दूसरा ये तीसरा तिया, और ये कौन सा है चौथा इसी प्रकार से ये कौन सा पूर्णांक है छः गुणे तैतीस यानी तैतीस पूर्णांक होंगे एक दो तीन चार पाँच, इसी प्रकार से सभी लिखेंगे तो कितना पूर्णांक आएगा तैतीस ठीक तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा ये वाला अगर हम चाहे तो इसको सूत्र से भी लिखा निकाल सकते हैं वो वही वाला सूत्र ए एन जो सबसे पहले वाले सवाल में लगा था ए प्लस माइनस वन डी लास्ट वाला पद कितना है एक सौ अट्ठानबे और पहला पद कितना है 6 प्लस एन माइनस वन डी और इनमें अंतर कितने का है 6 का ये जो 6 है इधर आएगा घट जाएगा एक सौ अट्ठानबे माइनस बराबर और ये हो जाएगा यन और ये माइनस का छः ये जो माइनस का ये माइनस का छः हम एक प्रकार से काट सकते हैं या इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तब कट जाएगा ठीक या इधर माइनस छः उधर जाएगा प्लस का अब ये जो छः लिखा है ये कहाँ आएगा बटे में आएगा तो जो छः से काटेंगे तो छः तिया अट्ठारह एक आया छह तिया अट्ठारह यानी यन यानी पूर्णांक कितने आ गए तैतीस पूर्णांक हो जाएंगे हमारे बात कह रहा है किसी संख्या को जब 221 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 43 मिलता है 21 से जब हम भाग करते हैं तो 43 यदि उसी संख्या को 17 से यानी यही संख्या यहाँ लिखें और 17 से भाग करें तो हमको शेषफल ज्ञात करना है तो देखिए ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं जैसे इसी प्रकार से मान लेते हैं अगर कोई संख्या दस से भाग दे रहे हैं तो नौ शेषफल मिल रहा है अगर पांच से भाग दे रहे हैं यानी उसी के गुणनखंड देखिए दस के गुणनखंड कौन कौन से होंगे पाँच और दो अगर हम पाँच या दो से अगर हमको भाग करना हो ये जैसे सवाल दे दे कोई संख्या है जिसे दस से भाग करते हैं तो शेषफल न हो अगर दो या पाँच से भाग करें तो शेषफल कितना होगा यानी ये इसी का अगर गुणनखंड होता है तो हम इस पूरा सवाल न लगा के सिर्फ यहीं पर लगा दें ठीक देखिए अगर हम पाँच से भाग करते हैं तो देखिए कितना शेषफल आ गया चार ठीक पाँच एक कम पाँच यानी शेषफल कितना आ गया चार अगर 10 से हम भाग करते हैं तो हमारा शेषफल 9 बचता है अगर उसी संख्या को हम 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ गया चार यानी हम यहाँ से पर ना लगा के यही शेषफल पर उसको भाग कर देते हैं अगर वो उसका गुणनखंड है इसी प्रकार से देखते हैं अगर कोई किसी संख्या को बारह से भाग कर रहे हैं तो शेषफल आ रहा है दस अगर छः से भाग करें तो कितना होगा तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे छः और दो तो अगर ये इसका गुणनखंड है तो यहां से ना लगा के यही से सवाल लगा और हमारा आंसर हो जाएगा एक कम, चार फल, तो देखा छह एक चार अगर ये उसका गुणनखंड है पहला तो ऐसा सवाल होगा ही नहीं कि उसका गुणनखंड ना हो इसी प्रकार से अच्छे से समझिए यहां दो से जब भाग कर रहे थे तो तैतालीस तो अगर सत्रह से भाग करें तो कितना होगा तो देखिए इसका अगर गुणनखंड है यानी इसका गुणनखंड है सत्रह गुड़े तेरह ठीक यानी सत्रह और तेरह से अगर सवाल आ जाए तो हम पूरा सवाल न लगाकर हम यहीं से सवाल स्टार्ट कर देंगे जब हम सत्रह से भाग करेंगे तो सत्रह दुना चौंतीस यानी कितना बचा नौ शेष फल ठीक कोई भी ऐसी संख्या आप लिख लीजिए ठीक जिसमें 221 से भाग करने पर शेषफल तैतालीस आ रहा है तो जब आप 17 से भाग देंगे तो शेषफल 9 ही आएगा ठीक अगर 13 से भाग बात कर दे ठीक तो 13 को तैंतालीस से में हम करेंगे ठीक तो 13 तिया तालीस यानी चार से फल आएगा और अगर सत्रह से भाग करेंगे तो नौ से फल आएगा यानी हमारा विकल्प कौन सा सही होगा सी वाला विकल्प सही हो जाएगा तीस सौ तिरपन का घात एक सौ सड़सठ का इकाई का अंक क्या होगा क्योंकि तो इसमें अंतिम अंक कितना है तीन तो तीन और सात के लिए रूल होता है यदि किसी संख्या का अंतिम अंक तीन या सात है तीन या फिर सात हो तो उसकी घात अगर चार है या फिर चार के गुड़ा के रूप में यानी घात आठ है तो अंतिम अंक हमेशा एक होगा ठीक जैसे तीन की घात चार लिखा है तो कैसे यानी अंतिम अंक कितना आया एक और चार यानी गुड़ा में यानी आठ बारह सोलह कुछ भी है उसका भी अंतिम अंक कितना आया एक आया अगर सात भी है तो उसका अंतिम अंक कितना आया अगर घात चार है ठीक घात अगर चार है तो कितना आया एक अगर घात आठ यानी चार के गुड़ा के रूप में उसकी भी घात एक ही आएगी यानी इसका आंसर कितना भी आए लेकिन अंतिम अंक एक ही होगा तो इसी प्रकार से हम बात इसको हल करेंगे तो देखिए अच्छे से समझिए इक्कीस सौ तिरपन की घात ये जो एक सौ सड़सठ लिखा है जैसे मान लो लिखा है चार की घात बारह लिखा है यानी ये चार के गुड़ा के रूप में लिखा है अगर चार की घात तेरह लिखा है तो हम लिख सकते हैं ठीक ये तेरह की घात तेरह लिखा है तो तेरह की घात हम लिख सकते हैं चार गुड़े तीन यानी चार हैं बारह प्लस एक ठीक चार हैं बारह प्लस एक तो इसी प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं चार गुढ़े एक सौ इकसठ एक सौ इकसठ जब गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा चार जा, चार गुड़े चालीस इकतालीस लिखेंगे कितना लिखेंगे चार गुढ़े इकतालीस तो ये कितना हो जाएगा एक सौ चौंसठ हो जाएगा एक सौ चौंसठ प्लस कितना लिखेंगे तीन एक सौ सड़सठ को लिख सकते हैं चार गुड़े इकतालीस प्लस एक सौ तीन अब इसको मतलब हो गया इक्कीस तिरपन की घात ये कितना हो गया एक सौ साठ एक सौ साठ गुड़े इक्कीस तिरपन की घात तीन घाते क्या होती है जुड़ जाती है तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अब देखिए यहां पर समझिए घात जो तीन है तीन की घात जो है चार की गुड़ा के रूप में है चार की गुड़ा के रूप में है क्योंकि चार गुड़े इकतालीस इसको हम लिख सकते हैं चार गुड़े एक सौ चौंसठ यानी लिख सकते हैं यानी इसका जो अंतिम अंक आएगा कुछ भी आए लेकिन अंत में हमारा एक लिखा होगा ठीक अब बात करते हैं यहाँ पर घात अगर तीन बार है तीन को तीन बार लिखते हैं तीन गुड़े तीन गुड़े तीन तो लास्ट में आएगा सात यानी जब हम इसको लिखेंगे तो कितना भी आए लास्ट में अंक हमारा होगा सात अब इसकी संख्या मान लो ये लिखी है और यहाँ पर लिखा है एक और यहाँ पर संख्या लिखी है सात और इसके अगर गुणा करें तो आंसर हमारा कुछ भी आए लेकिन लास्ट में हमारा सात ही होगा यानी अंतिम अंक कितना होगा सात यानी हमारा ये आंसर सही हो जाएगा तो कह रहा है यदि वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर समझिए क्रमागत की बात चले एक दो तीन चार पाँच इस प्रकार से अगर लिखा हो तो जितने पद होते हैं उसका होता है यक्ष और यक्ष में एक जोड़ना होता है जितना पद होते हैं उसमें एक जोड़ना होता है दूना करके एक जोड़ना होता है उसको छः से भाग देना यानी इसके बराबर होता है तो हमको ज्ञात करना है एक स्क्वायर तीन स्क्वायर पाँच स्क्वायर डाट 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 डा, उन्नीस का स्क्वायर बराबर है लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो सूत्र दिया है ये क्रमागत वाला दिया है और जबकि ये क्रमागत में नहीं है ठीक एक तीन पाँच यानी छोड़ छोड़ करके है तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो हम क्रमागत में लिख लेंगे

तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए दो से काटेंगे तो आ गया तीन ये आ गया दस फिर जब इसको तीन से काटेंगे तीन सत्ते इक्कीस तो सात एक कम सात सात चौक अट्ठाईस और एक जीरो यानी दो हजार आठ सौ सत्तर आया एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर इस प्रकार से लेकिन हमको जो ज्ञात करना था वो ज्ञात करना था एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर सात का स्क्वायर और उन्नीस का स्क्वायर तो अब इसके लिए क्या करेंगे जब हम पूरे को ज्ञात कर लिया तो पूरा आया अट्ठाईस सौ सत्तर तो क्या करें हम दो का स्क्वायर चार का स्क्वायर छः का स्क्वायर आठ का स्क्वायर और बीस का स्क्वायर हम जोड़ लें ठीक यानी इसका इतना आया और उसको अगर जोड़ करके इसमें से घटा दें ठीक तो हमारा ये वाला आ जाएगा एक स्क्वायर तीन स्क्वायर पाँच स्क्वायर ये वाला आंसर आ जाएगा तो इसके लिए देखिए दो स्क्वायर चार स्क्वायर स्क्वायर स्क्ट स्क्वायर और बीस स्क्वायर को जोड़ने जा रहा है तो अच्छे से समझिए इसको कैसे हल करेंगे तो इसको हमने यहां पर लिख दिया दो को हम लिख सकते हैं दो एक कम दो दो का स्क्वायर लिखा है दो एक कम दो का स्क्वायर चार को लिख सकते हैं दो दो चार का स्क्वायर छ को लिख सकते हैं दो तीयर छ का स्क्वायर आठ को लिख सकते हैं दो चक्कू आठ का स्क्वायर और बीस को लिख सकते हैं दो दाम बीस का स्क्वायर अब देखिए घात जो है तो सिर्फ एक के ऊपर नहीं दो के ऊपर भी लिखेंगे एक के ऊपर भी दो के ऊपर दो के ऊपर दो के ऊपर तीन के ऊपर दो के ऊपर चार के ऊपर दो के ऊपर और दस के ऊपर अब यहाँ पर क्या कामन मिला तो दो, दो स्क्वायर कामन मिला सब में से जब दो स्क्वायर कामन ले लेंगे तो दो स्क्वायर कामन मिल गया एक का स्क्वायर बचेगा इसमें दो स्क्वायर इसमें तीन का स्क्वायर इसमें चार का स्क्वायर इसमें दस का स्क्वायर अच्छे से बोझिए इसमें दो का स्क्वायर जब कामन मिल गया तो एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर तीन का स्क्वायर चार का स्क्वायर डॉट 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 यहाँ पर कितना मिला दस का स्क्वायर ठीक अब देखिए ये जो बना ये हमारा क्रमागत वाला बन गया ठीक यानी ये दो का स्क्वायर ये क्रमागत वाला बन गया यानी समझ गए जिस प्रकार से ये था तो इसका क्या होता है यक्स और गुड़े यक्ष में एक जोड़ना है यानी ग्यारह और यक्ष को दूना करना है फिर एक यानी दस दूना बीस एक इक्कीस बटे छी तो ये हो जाएगा दो का स्क्वायर यानी कितना हो गया चार गुड़े देखिए दो तो से काटा यह आ गया तीन और यह आ गया सात यह आ गया पांच ठीक और फिर तीन से काटा यह आ गया सात तो सात और ग्यारह की गुड़ा करेंगे और पाँच और सतहत्तर की तो पांच पाँच सतह पैंतीस और पाँच सतह पैंतीस और तीन अड़तीस यानी तीन सौ पचासी तीन सौ पचासी को जो हम चार से गुड़ा करेंगे ठीक तो चार से जब गुड़ा करेंगे तो आ जाएगा चार पंचे बीस चरो बत्तीस और दो चौंतीस चार तीन बारह तीन पंद्रह यानी पंद्रह सौ चालीस आ गया तो देखिए इसका आया अट्ठाईस सौ सत्तर और इसका आया पंद्रह सौ चालीस अच्छे से समझिए हमको एक का स्क्वायर तीन का स्क्वायर पाँच का स्क्वायर सात का स्क्वायर उन्नीस का स्क्वायर जो निकालना है तो अगर हम अट्ठाईस सौ ठीक अट्ठाईस सौ सत्तर में से पंद्रह सौ चालीस घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा तेरह सौ तीस यह हमारा आंसर हो जाएगा नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है ठीक तो 24 से जो विभाजित होगी वो दो तीन चार छः आठ बारह चौबीस से भी विभाजित हो जाएगी ठीक दो तीन चार पाँच छः आठ से भी विभाजित हो जाएगी क्योंकि ये इसके गुणनखंड बन जाएंगे क्योंकि दो बारह तीन तीन और चौबीस चार से चौबीस ठीक इस प्रकार से बन जाएंगे अब देखिए अच्छे से समझिए तो दो चार सबसे पहले तो हम दो से चेक करते हैं तो दो के लिए सिर्फ लास्ट का अंक देखा जाता है ठीक लास्ट में अगर जीरो दो चार छ आठ है तो इसका मतलब वो दो से कट जाएगा तो ये तो सारी क्वालिटी सब में है अब बात करते हैं तीन की तीन के लिए नियम ये होता है अंकों को हम जब जो जोड़ते हैं अगर अंकों को जोड़ने पर वो संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी इसका मतलब वो संख्या तीन से कट जाएगी अब देखिए चार और सात चार एक पाँच पाँच सात बारह बारह और आठ कितना हुआ बीस क्या ये तीन से कटेगी नहीं इसका मतलब ये जो संख्या है तीन से नहीं कटेगी इसको बात करते हैं आठ दो दस दस आठ अट्ठारह अट्ठारह और ग्यारह उन्तीस क्या ये तीन से कटेगी नहीं कटेगी इसको बात करते हैं चार तीन सात 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 चौदह चौदह छः बीस नौ उनतीस क्या ये तीन से कटेगी नहीं कटेगी यहाँ पर बात करते हैं पाँच सात बारह बारह पाँच सत्रह सत्रह दो या आठ दो दस और दस दस बीस सत्ताईस अब ये देखते हैं तीन से कट जाएगी ठीक अब देखिए हमने बताया था चौबीस से विभाज्य विभाजी संख्या पता करनी थी तो जो संख्या दो से कट जाएगी वो चौबीस से कट जाएगी जो संख्या तीन से कट जाएगी वो भी चौबीस से कट जाएगी तो ना तो तीन से ये कट रही ना तो तीन से ये कट रही ना तो तीन से ये कट रही यानी ये तो तीन विकल्प बाहर हो गए यानी बचा विकल्प ये तो यही हमारा विकल्प है जो चौबीस से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा विकल्प डी जो है ये चौबीस से हमारा पूरी तरह विभाजित हो जाएगा अगर आप आगे भी चेक करेंगे तो ये चार से भी कटेगा ठीक छ से भी कट जाएगा आठ से भी बारह से और चौबीस से भी ये कट जाएगा एक का क्यूब दो का क्यूब तीन का क्यूब प्लस इस प्रकार से डाट 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 दस का क्यूब बराबर तीन हजार पच्चीस दिया है तो दो का क्यूब प्लस चार का क्यूब प्लस छ का क्यूब डाट 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 बीस का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए तो देखिए इस प्रकार से सॉल नंबर नौ थोड़ा दिया था तो देखिए दो की घात चार दो की घात तीन चार की घात तीन छः की क्यूब प्लस बीस की घात क्यूब यानी हमको करना है तो इसको हमने यहाँ पर लिखा तो दो की दो कॉम्बिनेशन थे दो एक कम दो चार को लिखा दो दो न चार छः को लिखा दो तीन छः और बीस को लिखा दो दहाँ बीस और ऊपर क्यूब क्यूब लगा है अब देखिए ये जो क्यूब है दोनों पर जाएगा इस पर भी जाएगा और इस पर भी जाए ये जो इस पर ही इस पर भी इस पर भी इस पर भी अब देखिए क्या करेंगे दो की घात तीन कामन मिल रहा है सब में देखिए दो की घात तीन जब हम कामन ले लेंगे दो की घात तीन जब कामन लिया तो इसमें कितना बचा एक क्यूब और चार वाले में कितना बचा दो क्यूब और वाले में कितना बचा तीन क्यूब प्लस बीस वाले में कितना बचा दस क्यूब अब देखिए ये जो दिया है इतना इसका मान ऑलरेडी किताब में दे रखा था एक क्यूब दो क्यूब प्लस तीन क्यूब प्लस डाट 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 प्लस का दस क्यूब का मान दिया है तीन हजार पच्चीस और दो का क्यूब यानी ये कितना हो गया दो दुना, चार दुनी, आठ अब आठ की जब हम इसमें गुड़ा करेंगे ठीक आठ पंचे चालीस आठ दूनी सोलह और चार बीस क्योंकि जीरो लगाए फिर आठ त्रुक चौबीस यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा एक सौ एक प्लस एक सौ दो प्लस एक सौ तीन प्लस डर डर दो सौ तक का योग क्या होगा तो 101, 102, 103 यानी क्रमागत है ठीक तो क्रमागत जब होता है तो इसका सूत्र होता है एस एन बराबर यन बटे टू ए प्लस यल पहला और आखिरी दिया हो ठीक अब देखिए अच्छे से समझिए पद कितने हो जाएंगे 101, 102, 103 एक, 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 एक यानी एक दो तीन आखिरी में सौ यानी दो सौ पर मत जाइए ध्यान रखना यहाँ पर जैसे हमने सौ इधर छोड़ दिया है यानी एक से लगाकर कर जब हम सौ तक पहुँचते यानी सौ पद इधर हो जाते प्लस एक से लगाकर अगर एक से लगाकर अगर दो सौ तक तो जाते तो दो सौ पद होते लेकिन एक से लगाकर कर सौ तक हम नहीं आए हैं बाद में इसके बाद चले हैं एक सौ एक एक सौ दो यानी कितने पद हैं सौ तो यहाँ पर क्या करेंगे सौ बटे दो यानी कितने पद हो जाएंगे ठीक सौ पद यानी यह जितने पद हैं उसके बटे में दो फिर ए प्लस यानी पहला पद और लास्ट वाला पद जोड़ा जाता है सूत्र होता है एन मिटेड टू ए प्लस यल जितने पद हो उसका भाग दो फिर पहला और आखिरी जोड़ने पर तो इसको जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा पचास और इसको समझिए एक सौ एक और दो सौ एक कितना हुआ तीन सौ एक या ये समझ लीजिए दो सौ देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो तीन सौ एक आ जाएगा और इससे पहले जो संख्या होती है एक सौ निन्यानवे एक सौ निन्यानवे को जब जो इसको जोड़ेंगे तो तीन सौ एक आएगा और इससे पहले एक सौ अट्ठानबे अगर इसको जोड़ेंगे इसके साथ तो 301 यानी 301 301 के जोड़े बनेंगे कितने बनेंगे जब सौ 50 जोड़े बन जाएंगे अब 50 के जो हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए पांच एक, एक पंद्रह हजार पचास यानी कौन सा विकल्प सही है विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा तेरह छह से हो पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है तो ये है हमारी पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो चार सौ छिहत्तर से पूर्णतः विभक्त हो जाए चार सौ छिहत्तर से भाग करने की बात कर रहा है तो देखिए चार सौ छिहत्तर से जो हमने भाग दिया तो यहां पर हमारा चार शेष आया अब देखिए यहां पर कह रहा है पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो चार सौ छिहत्तर से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इससे इसके लिए पहले हम इसको समझते हैं नौ से चौबीस को समझे ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ दिया घटा दें देखिए नौ दून अट्ठारह बचा कितना छ यानी यहाँ पर क्या है अगर ये जो छः जो एक्स्ट्रा है अगर छे इसमें से हम घटा दें यानी कितना आ गया अट्ठारह और या फिर हम बात करें जोड़ने को अगर बात करें कितना जोड़ दें तो जोड़ेंगे इसमें तीन तब ये हो जाएगा नौ यानी इसमें अगर तीन जोड़ दें तो कितना हो गया सत्ताइस अगर घटा दें तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगी अगर तीन जोड़ दें तो पूर्णतया विभाजित हो जाएगा इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए चार शेष आया है Osionfish. तो अगर ये जो शेष आया है अगर इसको हम घटा दें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो पूर्णतया इससे विभाजित होगी या फिर हम बात करें कितना जोड़ दें तो जोड़ना पड़ेगा इसमें देखिए चार लाने के लिए चार लिखा है तो चार जोड़ दें तो चार सौ बहत्तर जोड़ने तो पर जो संख्या प्राप्त होगी जैसे इसमें जब हमने घटाया तो यह वाला प्राप्त हुआ जब जो चार जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा दो सात चार जीरो एक तो ये जो संख्या होगी अच्छे से समझिए नौ 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 छः और ये एक संख्या ये वाली हो जाएगी दस चार सात दो देखिए ये संख्या का प्राप्त होगी अगर हम चार घटा दें तो पूर्तया चार सौ छिहत्तर से विभाजित हो जाएगी और ये संख्या कौन सी अगर हम चार सौ बहत्तर जोड़ दें क्यों क्योंकि हमको चार सौ छिहत्तर बनाना जिस प्रकार से हमको नौ बनाना था तो हमारी पूर्तया विभाजित हो जाएगी थी? लेकिन यहां पर कह रहा है पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये लेकिन ये विभाजित नहीं थी तो पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये है अगर चार घटा देते हैं तो है ये बड़ी से बड़ी से संख्या है चार अंकों की अगर चार अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा होता जो चार सौ छिहत्तर से विभाजित होता तो ये संख्या थी और पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या वह जो चार सौ छिहत्तर से पूर्णतया विभाजित है तो वो संख्या है हमारी दस हजार चार सौ बहत्तर निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय है ठीक जिसे परमेय के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता देखिए तो कि ये जो पाई है यहाँ पर यही हमारी अपरमेय है ठीक हमारा विकल्प यही से जबकि पाई का मान ये भी होता है और पाई का मान ये भी होता है लेकिन यहाँ पर क्या है परमेय संख्या क्यों, क्यों, कौन सी होती है जिसे हम पी बटे क्यों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो ये तो ऑलरेडी लिखा ही है बाईस बटे साथ यानी पी बटे क्यू ठीक इसको देखिए अगर हम पॉइंट हटा दें तो कितना हो जाएगा? एक हजार तेरह सौ तैतीस बटे एक हजार और इसको अगर पॉइंट हटा दें तो आ जाएगा सौ यानी पी बटे क्यू के रूप में हम ये तीनों हमारे व्यक्त हो चुके हैं यानी पाई जो है वो हमारी अपर में संख्या होगी ठीक ये हमारा विकल्प बी ही हो जाएगा कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है तो देखते हैं ये संख्या देखते हैं ये संख्या हमारी सात से कट रही है देखिए कैसे सात एकम सात बचा छः सात नौ तिरसठ सात एकम सात सात नौ तिरसठ यानी सात एकम सात सात नौ तिरसठ यानी ये सात से भी कट जाएगी और उन्नीस से भी कट जाएगी इसको देखते हैं ये किससे कट रहे हैं तेरह से देखते हैं तेरह तिया उनतालीस और तेरह तिया उनतालीस कितना बचा चार तेरह तिया उनतालीस तेरह में छः नौ गया चार तिरसठ हो गया यानी ये इससे नहीं नहीं कटेगा यानी ये तेरह से नहीं कट रहा है ठीक फिर बात करें इसको देखते हैं ये किसी से कटेगा फिलहाल शायद नहीं कटेगा इसको देखिए ये तेरह से कट जाएगा शायद तेरह तेरह वनतालीस तेरह चक्कू बावन ठीक तेरह से जब काटेंगे तो तेरह चक्कू बावन बचा एक तेरह एकम तेरह यानी तेरह से कट जाएगा और इकतालीस से भी कट जाएगा इसको देखते हैं सत्रह चक्कू अड़सठ बचा कितना आठ पाँच तेरह सत्रह चक्कू अड़सठ यानी पंद तेरह में से आठ गया पाँच और एक सौ तिरपन सत्रह नौ एक सौ तिरपन यानी सत्रह गुड़े उनचास यानी सत्रह से भी कट जाएगा वो उनचास यानी उनचास हम कह सकते हैं सात सात सत्रह ठीक सात से कट जाएगा सत्रह से कट जाएगा तेरह से इकतालीस से सात से उन्नीस से यानी ये जो है हमारी भाज संख्या नहीं है यानि विकल्प हमारा सही हो जाएगा बेविकल्प सही हो जाएगा सबसे बड़ी पांच अंकों की संख्या तो सबसे बड़ी पांच अंकों की संख्या ये हो जाएगी ठीक फिर कह रहा है और सबसे छोटी चार अंकों की संख्या सबसे छोटी चार अंकों की संख्या ये कि संख्या के बीच का अंतर अंतर्यात कर अंतर मतलब होता है घटाना नौ 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 आठ नौ यानी कौन सा विकल्प सही है यानी विकल्प नंबर हमारा सी सही हो जाएगा पचास से नब्बे के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है तो पचास से नब्बे के बीच की संख्या लिखेंगे अभाज्य तिरपन है और उनसठ है प्लस इकसठ है इकसठ ठीक तिरसठ तो हमारी भाज्य है पैंसठ छियासठ सरसठ अड़सठ उनहत्तर उनहत्तर भी हो जाएगी सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उन्नासी ठीक इकहत्तर तिहत्तर उनासी ये अस्सी के बीच तीन बार संख्या है जबकि ज्यादातर हमेशा दो होती हैं ठीक ध्यान रखना फिर इक्यासी बयासी तिरासी ठीक चौरासी पचासी छियासी सत्तासी ठीक अट्ठासी नवासी नवासी कट जाएगा उनतीस से कट जाएगा ठीक नवासी जो होगा वो शायद उनतीस से कट जाएगा नवासी नहीं ये सत्तासी उन्तीस से कट जाएगा ये नवासी अब इसको क्या है इसको सबको जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 635 आ जाएगा जोड़ने पर ठीक फिर इसको जोड़ लेना इसका जोड़ने पर कोई इसकी ट्रिक नहीं है खास तो ये हमारा आ जाएगा 635 सौ पैंतीस कह रहा है यदि किसी संख्या को आठ सौ निन्यानवे से विभाजित करते हैं तो शेषफल तिरसठ बचता है अच्छे से समझिए आठ सौ से जब भाग करते हैं आठ सौ निन्यानवे से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है तिरसठ बचता है तो उसी संख्या को अगर उनतीस से भाग करें अगर उसी संख्या को यानी यह या जो जो संख्या यहाँ पर लिखी है अगर उसी संख्या को उनतीस से भाग करें तो शेषफल कितना बचेगा तो देखिए ऐसे सवालों में जब होता है तो ये जो होता है ज़्यादातर तो इसी का गुणनखंड होता है हमें इसका ध्यान रखना तो ये गुणनखंड होता है उनतीस गुड़े इकतीस होगा ठीक आठ सौ निन्यानबे के गुणनखंड अगर हम करें तो उनतीस गुड़े इकतीस होगा अब अच्छे से अच्छा एक उदाहरण देख लेते हैं दस को अगर भाग देते हैं अड़तालीस को ठीक तो शेषफल कितना बचेगा आठ शेषफल बचेगा अगर इसी संख्या को यानी इसी संख्या को ठीक अगर हम पांच से भाग करें तो देखिए पांच क्या है इसका क्या है गुणनखंड अगर गुणनखंड होता है तो कुछ ना करो सिर्फ शेष को भाग दे दो दे दो तो जब पाँच से आठ को भाग देंगे तो तीन शेष बचेगा तो जब इसको भी हल करेंगे तो हमारा तीन ही शेष बचेगा उसी प्रकार से आठ सौ निन्यानवे को कह रहा था इसको भाग करना है तो वनतीस को कह रहा है तो हम क्या करें कुछ ना करें सिर्फ इस ये जो शेष आया है उसी को अगर हम भाग दे दें तो हमारा आंसर आ जाएगा उनतीस दुना अट्ठावन यानी कितना बचा तेरह में से आठ गया पाँच यानी विकल्प हमारा कौन सा सही होगा पांच यानी बी नंबर से होगा अगर इसी की जगह इकतीस कह देता जरूरी नहीं कि वनतीस कहे तो हम यकतीस से जब करेंगे तो यकतीस दूना कितना होता है बासठ यानी तब हमारा आंसर होता बहसठ यानी एक शेष आएगा और जब उनस से हमने किया था तो कितना आया था पांच शेष यानी हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बी नंबर विकल्प सही होगा एक से तीन सौ इकसठ तक की समस्त सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो एक से तीन सौ इकसठ तो एक तो छोड़ जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं दो चार छह आठ और तीन सौ साठ तक क्योंकि तीन सौ इकसठ भी समसंख्या नहीं है तो इसका जब हमको योग ज्ञात करना है तो इसके लिए हमको सूत्र पता है एसियन बराबर होता है यन बटे टू यानी जितने पद हों उसके दो से भाग करना है और ए प्लस यल यानी पहला और आखिरी जोड़ देना है तो इसमें पद कितने हैं टोटल देखिए एक पद दो पद तीन पद अब 360 यानी 180 पद हो जाएंगे जैसे देखिए यहां तक अगर बात करें हम तो कितने पद हैं एक दो तीन या हम दो से भाग करके पता कर सकते हैं कि तीन पद हैं ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर दो से जब भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक पद हैं ठीक ए प्लस यानी पहला और आखिरी जोड़ देंगे ठीक तो ये इसको जब भाग देंगे तो आ जाएगा नब्बे ठीक और इसको जब जोड़ेंगे 360 में दो तो यह हो जाएगा तीन सौ अब इसकी गुणा करेंगे तो नौ दो अट्ठारह नौ छात्र चौवन एक पचपन हासिल आया पाँच नौ तो सत्ताईस और पाँच बत्तीस और एक जीरो यानी बत्तीस हजार पाँच सौ अस्सी यानी विकल्प हमारा सही हो जाएगा डी नंबर विकल्प सही हो जाएगा छः से विभाजित सबसे छोटी चार अंकों वाली संख्या के अंकों का योग तो अच्छे से तो चार अंकों की संख्या तो इसको जो हमने भाग किया तो बचा हमारा चार से अब यहाँ पर जो तो समझिए अच्छे से समझिए छः से विभाजित सबसे छोटी चार अंकों वाली संख्या जब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो यह आया गया चार से लेकिन यहां पर समझिए अगर चार इसमें से घटा दें तब तो हमारी छः से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी या फिर क्या करें हम इसमें दो जोड़ दें ठीक तो जोड़ेंगे तब हमारी यह संख्या बरकरार रहेगी यानी कितना हो जाएगा एक सौ दो तो कह रहा है अंकों का योग तो इसका अंकों का योग कितना आ जाएगा तीन फिर कह रहा है और ग्यारह से विभाजित ग्यारह से विभाजित सबसे छोटी पांच अंकों वाली संख्या पांच अंकों वाली संख्या देखिए ग्यारह नौ निन्यानबे एक बच्चा दो जीरो जो बता देंगे तो जीरो ग्यारह नौ निन्यानबे बच्चा एक या तो फिर इसको एक घटा दें तो अगर घटाएंगे तो वो संख्या पांच अंकों की जगह चार अंकों की रह जाएगी तो इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे कितना दस तब ये हो जाएगा हमारा ग्यारह जैसे यहाँ पर हमने ये छः हो गया और यहाँ पर हो गया ग्यारह यानी अगर यहाँ पर हम दस जोड़ दें तो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा ठीक दस हज़ार था तो दस, दस हो गया तो इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा अंकों अंकों का योग एक, जीरो एक, ये अंकों का योग योग मतलब ठीक इस ये कितना आ गया तीन और यहां पर अंकों का योग इस प्रकार से करेंगे तो कितना आ गया दो तो फिर कह रहा है संख्या के अंकों का योग का गुणनफल करें यानी ये और ये इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा छ यानी तीन बुढ़े दो यानी विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा ए और बी के न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या पाँच ए फोर टू थ्री बी को अट्ठासी से विभाजित किया जा सके यानी ए और बी की जगह पर कौन सा रखना होगा तो देखिए अट्ठासी से जो विभाजित कर दिया हम नहीं जानते हैं लेकिन हम आठ और ग्यारह का जानते हैं अगर कोई संख्या आठ और ग्यारह यानी दोनों से विभाजित हो जाएगी तो संख्या अट्ठासी से भी विभाजित हो जाएगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं आठ वाला नियम क्या होता है देखिए अच्छे से समझिए आठ वाले नियम में क्या होता है अगर हम बात करें दो से दो का नियम क्या होता है यानी दो की घात एक यानी ठीक यानी लास्ट का एक अंक देखा जाता है लास्ट का कितना अंक देखा जाता है एक अंक अगर हम बात करें चार से विभाजित का नियम तो यह होता है दो की घात दो यानी दो यानी लास्ट के दो अंक देखे जाते हैं अगर हम बात करें आठ के लिए तो आठ के लिए सिर्फ और सिर्फ यानी की घात तीन होता है यानी लास्ट के तीन अंक देखे जाते हैं ठीक तो लास्ट के तीन अंक अगर हम बात करें देखने को ठीक लास्ट के तीन अंक तो लास्ट के तीन अंक कौन से हैं ये वाला अब इसको आठ से हम भाग देकर देखते हैं तो आठ दुनी सोलह कितना बचेगा सात तो अब देखिए सात देख, आठ दुनी सोलह बचा सात तो अब यहाँ पर बी की जगह कितना हो जाए जो ये हमारा आठ से कट जाए तो बी की जगह अगर हमारा दो हो जाएगा तो आठ नौ बहत्तर यानी बी का मान हमको पता चल गया बी का मान दो ठीक तो ए और बी कह रहा था यानी बी का मान दो चाहे तो हम यहीं पर विकल्प सही लगा सकते हैं या हम बात करते हैं ग्यारह का ग्यारह का नियम क्या होता है सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले देखिए अच्छे से यानी ये क्या है विषम स्थान पर है और ये विषम स्थान पर विषम क्या होता है पहला स्थान तीसरा स्थान और पांचवा इससे कहते हैं विषम स्थान तो इसका योग देखिए पाँच चार नौ तीन बारह आया तो जब ये सम वाले जोड़ेंगे सम वाले कौन कौन से हैं यानी दूसरे स्थान पर और ये चौथे स्थान पर और ये छठे स्थान पर तो उसका भी योग या तो फिर बारह आए ठीक या फिर इतना आए कि घटाने के बाद ग्यारह कट जाए तो अच्छे से समझिए पाँच चार नौ तीन बारह आया है तो उसका भी हमको बारह ही लाना है तो बी की जगह तो हम अभी ला ही चुके हैं कितना लाए हैं दो लाए हैं ठीक तो देखिए अच्छे से समझिए दो और ये समझिए दो और दो कितना हो गया चार तो ए की जगह कितना होगा आठ यानी ए की जगह आठ बी की जगह दो यानी हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा कह रहा है तेरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी तीन अंक की संख्या तो सबसे छोटी तीन अंक की संख्या होती है एक सौ चार तेरह से विभाजित होने वाली ठीक क्योंकि ये जो संख्या है तेरह से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तेरह अठी एक सौ चार ठीक तो तेरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी तीन अंक की संख्या है एक सौ चार को सोलह से विभाजित किया गया है इसको अगर हम सोलह से विभाजित करते हैं सोलह छंक छियानवे तो शेषफल ज्ञात करें तो चौदह में से छः गया आठ यानी शेषफल कितना हो जाएगा हमारा आठ तेरह से विभाजित होने वाली तीन अंक की सबसे छोटी संख्या को अगर सोलह से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा शेषफल हमारा आठ आ जाएगा मुझे 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी चार अंक वाली संख्या तो सबसे पहले बात करते हैं 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी चार अंक वाली संख्या तो सबसे पहले हम चार अंक वाली संख्या लिख रहे हैं ग्यारह नवा निन्यानवे बचा कितना एक ये हो गया जीरो अब देखिए यहां पर इस डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम इसको जीरो से काटेंगे तब बचा दस अब ये हमारा दस शेष है ठीक लेकिन अब देखिए यहां पर क्या समझिए ये हमारी चार अंकों की सबसे छोटी संख्या है लेकिन ये ग्यारह से विभाजित नहीं हो रही 11 ग्यारह से विभाजित तब होगी या तो फिर दस को घटा दे अगर घटा देते तो चार अंकों वाली संख्या नहीं रह जाएगी तो क्या करें फिर इसमें एक जोड़ दें ग्यारह बनाने के लिए ठीक यानी चार अंकों वाली संख्या हुआ कौन सी है एक हजार में एक जोड़ दिया तो होगी एक हजार एक ये वह संख्या है जो ग्यारह से विभाजित है और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो ग्यारह से विभाजित है वो वाली ये है और इसके अंकों का योग कह रहा है यानी इसके अंकों का योग यानी एक जीरो जीरो एक को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा दो फिर कह रहा और तेरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी चार अंकों वाली संख्या तेरह भी इसकी भी चार अंक ही कह रहा है ठीक तो देखिए तेरह सतह इक्यानवे कितना बचा नौ अब सात से जुड़ जाएगा नहीं ठीक तेरह छन्ठत्तर अब कितना बचा बारह अब या तो फिर हम इसमें से बारह घटा दें ठीक जब बारह घटा देंगे तो तीन अंक चार अंकों वाली संख्या नहीं बचेगी या फिर क्या करें हम इसमें एक जोड़ दें ठीक तेरह बनाने के लिए एक अगर जोड़ देंगे तो एक हजार एक हो जाएगी अब ये जो संख्या है ये तेरह से पूर्णतः विभाजित है तो यह सब प्रश्न बनिए तेरह से विभाजित होने वाली सबसे छोटी चार अंकों वाली संख्या के अंकों का योग अंकों का योग यानी इसके अंकों को जोड़ देना है एक जीरो जीरो एक यानी कितना हुआ दो का गुणनफल ज्ञात कीजिए किसका टोटल इसके अंकों का योग और लिखा है और इसके अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए यानी दो और दो का गुणनफल करेंगे तो चार आगा आएगा तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा विकल्प सी सही हो जाएगा तो संख्या पद्धति जीरो वन ये लेसन समाप्त हुआ है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में